हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का, ठीक है। ऑल ब्रांच फर्स्ट ईयर, टॉपिक है आपका ऐसे भिन्न जिसमें पहले प्रतिस्थापन करना पड़ता है। टाइप 4 का क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फाइव कॉस एक्स प्लस 4 का मान ज्ञात करो। तो टाइप 4 क्या है? टाइप 4 आपका है, सबसे पहले इसमें हमको जो भी आपको भिन्न मिलेगा, जो भी फ्रैक्शन आपको मिलेगा, उसमें पहले प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टाइप 3 टाइप 2 हम लोग पढ़े थे तो आपको ऑटोमेटिक एक फ्रैक्शन मिल जाता था, ठीक है। वो फ्रैक्शन आसानी से फैक्टर हो जाते थे, लेकिन टाइप 4 में आसानी से फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। उसका गुणनखंड आसानी से नहीं होगा, उसको पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसमें कॉस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसका अवकलन करने पर अंश आपका मिल जा रहा है। कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो अंश मिल जा रहा है, इसलिए कॉस एक्स बराबर टी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए हैं कॉस एक्स बराबर टी। अब इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस टी। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे रख दिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी। तो इसके जगह पे हम लिख दिए डी टी, ठीक है, माइनस डी टी। और इस टोटल के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे टी स्क्वायर माइनस फाइव, यहाँ पे टी, यानी कॉस के जगह पे टी रख दिए और साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी रख दिए, ठीक है। अब आपका ये दो घात का त्रिपद व्यंजक बन गया। अब इसका फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करना आप जानते हैं, इसका फैक्टर बड़े आराम से हो जाएगा। तो इसका लास्ट में फैक्टर आ गया डी टी अपान टी माइनस फोर, पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में टी माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ से आपका टाइप फर्स्ट हो गया। अब जो आपका पहला फैक्टर है टी माइनस फोर, इसको ए मान लेंगे, ए अपान टी माइनस फोर, फिर प्लस दूसरे फैक्टर को बी अपान टी माइनस वन, यानी कि यहाँ टाइप फर्स्ट बन गया। अब टाइप फर्स्ट का सारा रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, समाकलन का चिन्ह हटा के सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने पर आपको ए और बी का वैल्यू निकल आएगा। देखिए ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो समीकरण नंबर एक देखिए, समीकरण एक में ए और बी की वैल्यू रख देंगे। अब समीकरण नंबर एक आपका देखिए यहाँ पे है, ये है समीकरण नंबर एक, ठीक है। तो इस समीकरण नंबर एक में एक ए के जगह पे हम रख दिए, यहाँ पे देखिए वन अपान थ्री, और बी के जगह पे बी का वैल्यू आया है माइनस वन अपान थ्री, तो माइनस वन अपान थ्री रख दिए। अब उसके बाद डी टी अपान टी माइनस फोर, ठीक है। अब इसका देखिए समाकलन बड़े आराम से हो जाएगा। इसका फार्मूला आप जानते हैं, इसका हो जाएगा वन अपान थ्री लॉग टी माइनस फोर, ठीक है। फिर यहाँ से लॉग का रूल लग जाएगा, लॉग यहाँ पे फार्मूला लगा है, लॉग यम गुड़े यन यम माइनस लॉग, लॉग यम माइनस लॉग यन, तो हो जाएगा लॉग यम अपान यन, ठीक है, वही फार्मूला लगा है। फिर टी के जगह पे यक्स की टी के की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, जो माने हैं यहाँ पे टी के जगह पे कॉस एक्स यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर अगले टर्म पे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।